तुम तो बिना वजह घबरा जाती हो सुमन। बस थोड़ा सा चक्कर ही तो आया था मुझे। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो अच्छा हो जतिन का जो आ गया, वरना तुम तो मुझे एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ही ले जाती। और नहीं तो क्या सुन। अरे भाई ऐसा होता है कभी कभी दीपक के साथ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। तुमने इसकी ब्लड रिपोर्ट देखी ना? He's absolutely fine and touch wood for that. Sorry, touch wood. लेकिन तुम नहीं जानते जतिन, ये बेहोश हो गए थे। मैं कोई बेहोश वोश नहीं हुआ था। Come on, Suman. Try to understand. देखो, ये जो तुम्हारे हस्बैंड है मिस्टर दीपक, ये बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान है। और पता है मेरी माँ क्या कहा करती थी? मेरी माँ कहती थी कि जो लोग इमोशनल होते हैं वो लोग ज्यादा स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन उसके बाद टूट जाते हैं। और वही हुआ दीपक के साथ। मतलब कितनी स्ट्रेन से सब लोग गुजरे हैं तुम तो जानते हो ना। पहले सुनीता, फिर रोहिणी आंटी, कितना कुछ बर्दाश्त करेगा भला एक इंसान। हालात भी तो ठीक नहीं थे इतने दिनों से, और आज तरुण के अपने घर जाने की खुशी और इस घर से जाने का गम। अब ये तो होना ही था दीपक के साथ। नहीं दीपक, तुम बताओ, am I right or wrong? Tell me. For a change, इस बार तुम बिल्कुल सही हो जाते। And thank you. Thank you? अरे किस बात के लिए भाई? तुमने इतनी अच्छी तरह संभाल जो लिया मेरी सुमन को। ए, क्या सोचने लगे? नहीं कुछ नहीं भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे संभालने वाली मेरी जिंदगी में कब आएगी। हाँ जतिन, हमने कोशिश तो की थी लेकिन तुम और सपना माने ही नहीं। जतिन, क्या तुम भी किसी और को चाहते? सपना को तो नहीं चाहता मैं। तरुण मेरे भाई, क्या मैं इन यादों को अपने आंचल में समेट के ले जा सकती हूँ? हाउ सेंटी। लेकिन जरूरी है ताकि जब तरुण यहाँ आए तो मुझसे पूछे कि शीतल दी, ये क्या कर रही हो? तरुण, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लेकिन ये सूटकेस, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? पहले तुम बताओ, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? मेरा घर? शीतल दी, ये तुम्हारा घर है। नहीं तरुण, अब ये घर सिर्फ तुम्हारा है। और इसलिए तुम जा रही हो? मुझे जाना होगा। अभय ने तुम्हें बुलाया है? अभय? अभय के घर में कहाँ है जगह मेरे लिए तरुण? तुम तो जानते हो कितनी नफरत करता है वो मुझसे। तो फिर तुम कहाँ जा रही हो? चली जाऊंगी कहीं भी। तुम क्यों फिक्र करते हो मेरी तरुण? यही मेरा प्रायश्चित है। एक दिन मैंने सुनीति को इस घर से निकाला था, आज मैं इस घर से जा रही हूँ। उसके पास उसके जीजा जी का घर तो था अपना सर छुपाने के लिए, मेरे पास वो भी नहीं है। मैं जाने कहाँ जाऊंगी? मैं तुम कहीं नहीं जा रही हो शीतल दी। मुझे जाने दो तरुण, मुझे मत रोको। बस माँ और सुनीति की तस्वीरें अपने साथ ले जा रही हूँ। माँ और सुनीति? उनकी यादों के सहारे मैं जी लूंगी तरुण। क्यों, इस भाई की याद नहीं आएगी तुम्हें? तरुण, क्या तुम अपने भाई की तस्वीर नहीं ले जाओगी अपने साथ? नहीं शीतल दी, ये भाई अपनी बहन को इस तरह नहीं जाने देगा। तुम इस तरह इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हो। अगर तुम कहीं जाओगी तो सिर्फ अपने ससुराल अभय के घर। तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि ये सुनीति का घर है, और सुनीति ये कभी नहीं चाहती कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ। ओह तरुण, काश आज सुनीति हमारे साथ होती। लेकिन उसकी बेटी तो है,
आज तरुण की नई जिंदगी का पहला दिन है और मैं ही उसके साथ नहीं हूं। मुझे ऑफिस जाना चाहिए था ताकि वो सुनीति को याद करते करते रोता ना रहे। हाँ, मुझे उसके पास जाना चाहिए। यार ये जतिन भी कमाल का आदमी है। सुमन को तो तसल्ली दे रहा था और तुम्हें उसने टेंशन में डाल दिया। मैं पूछता हूँ उसे क्या जरूरत है तुम्हें ये बताने की कि मेरी तबीयत खराब है? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही नहीं हूँ दीपक, तुम्हारी डॉक्टर भी हूँ। अच्छा, इसलिए तुम अपना सारा काम का छोड़ के मुझे देखने के लिए भागी भागी चली आई? क्यों, कैसे नहीं आती दीपक? तुम नहीं जानते मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है सपना? ये दीपक, ये चक्कर तुम्हें कब से आ रहे हैं? यही कोई 2 दिन से, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आ रहे। जानती हूँ मैं, ऐसा ही होता है। क्या मतलब? दीपक, वो जब तुम्हें बुखार हुआ था तो मैंने तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया था। हाँ हाँ, और उसकी रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आई थी। हाँ, वो रिपोर्ट कहाँ है? सुमन के पास होगी। दीपक, वो रिपोर्ट ना, ये लो चाय। थैंक यू सर। पता है सपना, सुबह तो इन्होंने मुझे डरा ही दिया था और अब देखो कैसे तुम्हारे साथ बैठकर गप्पे हाँक रहे। दीपक, कहीं ये बहाना तो नहीं था ना? बहाना? हाँ, ऑफिस ना जाने का। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता हूँ? हाँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। ऐसा क्यों कह रही हो सुमन? तुम ही सोच कर देखो सपना, जिस ऑफिस से बिना किसी वजह बेइज्जत करके निकाला गया हो, उस ऑफिस में दोबारा काम करना कैसे जा सकता है कोई? ऑफिस में काम करने वाले चपरासी से लेकर ऑफिसर तक सब पता नहीं किस नजर से देखेंगे, क्या समझेंगे वो किसी की मजबूरी। लोग क्या सोचेंगे समझेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं है सुमन, मेरे लिए तो सिर्फ तुम्हारी खुशी जरूरी। हाँ, ये सच है कि मैं दोबारा उस ऑफिस में काम करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं तैयार हो गया था। तुम्हारे कहने पे मैंने अपने आप को मना लिया था। इतना प्यार करते हो तुम सुमन से? लो, ये भी कोई पूछने की बात? सुमन भी तो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। क्यों सुमन? मैंने तो जन्म ही लिया है आपसे प्यार करने के लिए दीपा। प्यार में लोग जान देते हैं ये तो मैंने सुना था, लेकिन प्यार के लिए जन्म लेते हैं ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। सपना, अगर सुमन मुझसे प्यार करने के लिए जन्म ले सकती है तो मैं इसके प्यार के लिए जान दे सकता हूँ। दीपक, तुम जहां भी हो सुनीति, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इस दर्पण के ऑफिस में मुझे संभालने के लिए, मुझे कोई गलती करने से रोकने के लिए। हेलो, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। देखो, सुनीति भी हमारे साथ है। तरुण, इस तरह जब तस्वीर लगाई जाती है उसका मतलब है इंसान हमेशा के लिए चला गया है। अबे, क्या तुम वाकई मानते हो कि सुनीति कभी नहीं लौटेगी? हाँ, वाकई? तुम तो सच्चाई जानते हो। वकील साहब ने तो सिर्फ कानून की जबान में कहा था। ऐसा मत कहो तरुण, उसी कानूनी जबान ने तो मुझे उम्मीद दी है कि सुनीति जिंदा है, वो लौटेगी। तरुण, तरुण प्लीज, इस तस्वीर को उतार दो। तरुण प्लीज, उतार दो इसे। मैं सुनीति के जिंदा होने का एक और मतलब निकलता है। क्या? शीतल दी निर्दोष है। तरुण, तुम्हें यही शिकायत है ना अपनी पत्नी से कि उसकी वजह से तुम्हारी सुनीति की मौत हुई? मेरी मेरी सुनीति? तरुण, तुम्हारी सुनीति, तुम्हारी, वो तुम्हारी पत्नी है। अच्छा ये बताओ, तुम मेरी पत्नी की सफाई पेश करना चाह रहे हो या अपनी बहन की?
अब है, मैं किसी की सफाई नहीं दे रहा हूं। मैं तो वही कह रहा हूं जो सुनीति चाहती थी कि तुम शीतल दी को अपना लो, उसे स्वीकार करो और उसके साथ खुश रहो। लेकिन शीतल की जिंदगी में तो कोई और आ चुका है। तुम इंस्पेक्टर कुमार की बात कर रहे हो ना? हाँ। अब है, शीतल दी जैसी भी है वो इतनी गिरी हुई नहीं है। पता है आज वो मुझे सुनीति का घर सौंप कर जा रही थी किसी सड़क पर बेसारा भटकने के लिए। नाटक तरुण, सब नाटक है ये उसका। देखो तुम उसकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस हो सकते हो लेकिन मैं नहीं। मैं उस औरत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। नागिन है वो, नागिन। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें चक्कर फिर से तो नहीं आ रहे? डॉक्टर सपना मित्र, इस वक्त आप मुझसे एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि मेरी दोस्त की हैसियत से बात कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर की तरह मेरी तबीयत की चिंता करने की जरूरत नहीं आपको। सपना, तो क्या कोई फिक्र की बात है? अब नहीं सुमन, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं चाय लेकर आई तब तुम इनकी ब्लड रिपोर्ट की बात कर रही थी। हाँ सपना, तुम्हें वो रिपोर्ट चाहिए थी ना? मुझे नहीं, मैं उस रिपोर्ट का क्या करूंगी? अब तो वो रिपोर्ट कोई मायने ही नहीं रखती है। सब कुछ ठीक है उस रिपोर्ट में, इसलिए वो रिपोर्ट मेरे लिए बहुत मतलब रखती है सपना। हाँ, मेरे लिए भी बहुत मतलब रखती है। एनीवे, मैं चलती हूँ। ठीक है सपना, लेकिन अच्छा हुआ तुम आई। हाँ, लेकिन अगली बार मैं आऊँ तो दीपक की बीमारी की वजह से नहीं आऊँ। हाँ, वरना मैं फिर से इनका ब्लड टेस्ट कराऊंगी। नहीं नहीं सपना, तुम जाओ यार, वरना फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी ब्लड टेस्ट कराने के लिए। नहीं दीपक, अब ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो पहली बार में ही समझ गई थी। तो मैं चलूं? बाय, टेक केयर दीपक। ये क्या समझ गई थी पहली बार? यही कि सब कुछ ठीक है। नहीं, सब कुछ तो ठीक नहीं है। तुम नंबर ट्राई करते रहो और जैसे लग जाए तो लाइन मुझे ट्रांसफर कर देना। तो मैं तुम्हारा ही नंबर ट्राई कर रहा था, फोन बज रहा था लेकिन तुम उठा ही नहीं रही थी। मैं कैसे उठाती तरुण, मैं घर पर जो नहीं थी। तुम कहीं बाहर गई थी? गई नहीं, आई तुम्हारे ऑफिस। हाँ। तो तुम मुझे फोन क्यों कर रहे थे? ये बताने के लिए कि मैं अपने ऑफिस से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। ये वही कैबिन है ना जहाँ तुम बैठा करते थे? मैं यही काम किया करता था लेकिन तब सुनीति मेरे साथ हुआ करती थी। वो अभी तुम्हारे साथ है तरुण, और हमेशा रहेगी। हालांकि अभय का कहना है मुझे तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, वो ये मानने से इनकार करता है कि सुनीति जिंदा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है? मेरे लिए तो वो कभी मरी ही नहीं, मेरी सुनीति तो जिंदा है मेरे साथ अपने दर्पण के इस मंदिर में। हाँ, मंदिर में रखी ये देवी की मूरत और मूरत के सामने खड़ा ये पुजारी, फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि तरुण, इस मंदिर को सच्ची पूजा करने वालों की जरूरत है और तुम्हारी पूजा सच्ची है क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा है। क्या तुम यहाँ काम करोगी? मैं? हाँ, तुम्हें दर्पण के लिए फैशन पर आर्टिकल्स लिखने होंगे, फैशन की दुनिया की लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट करनी होगी और हर इशू में अपना क्रिएट किया हुआ डिजाइन तुम्हें प्रेजेंट करना होगा। साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो फिर तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करना चाहोगी? अभी से। दैट्स ग्रेट, आई लव द स्पिरिट। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाता हूँ। okay.
ये तुम्हारा कैबिन है। ये सुनीति का कैबिन था ना? और तुम मुझे ये कैबिन दे रहे हो? मुझे पूरा विश्वास था कि तरुण कभी भी तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाने देगा। इतना ख्याल जो रखता है अपनी बहन का, लेकिन मुझे तरुण की बहुत फिक्र हो रही है कुमार। क्यों? कोई भी तो नहीं है मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए। ओ कम ऑन शीतल, तरुण इज अ मैन, और वैसे भी आदमी औरतों का ख्याल रखते हैं, आदमी के ख्याल रखने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। Didn't you know that? तुम तरुण को जानते नहीं हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। कुमार, तरुण प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उससे भागने की कोशिश में शराब पीने लगता है। What? शराब? एक सुनीति ही थी जो उसे रोक पाती थी, लेकिन अब सुनीति भी नहीं रही। क्या पता? क्या पता मतलब? शायद वो जिंदा हो। नहीं, अब कुमार, सुनीति इतने दिनों तक अभय से मिले बगैर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ प्यार क्या होता है। मैं भी तो तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकती। घर जाने का इरादा नहीं है। घर? तुम घर जा रहे हो? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। मेरे घर क्यों? तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। नहीं तरुण, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन तुम घर जाओ, खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। और तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं घर जाऊं? इतनी जल्दी हो रही है मुझे यहाँ से भगाने की? हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम थक गई होगी, इसीलिए। चलो एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं। तुम्हारे घर? हाँ, इससे ना तुम्हें देर तक काम करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें भगा रहा हूँ। नहीं तरुण, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं तो तुम्हें घर ले जाकर ही रहूंगा। अब चलो। उसी दिन का तो इंतजार है मुझे। कुमार, आज तृप्ति की बहुत याद आ रही है। That's very natural, शीतल। मगर खुशी है ना तुम्हारे पास? खुशी? उसे भी तो उसकी माँ की याद आ रही है। क्या तृप्ति को मेरी याद आ रही होगी? जरूर आ रही होगी, आखिर तुम माँ हो उसकी। फिर भी उससे बहुत दूर हूँ, बहुत दूर। अभय की वजह से नफरत करती हूँ मैं उस आदमी से। नफरत करती हूँ मैं उससे। मां प्लीज, मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो प्लीज। जरूर ले चलूंगा, जरूर ले चलूंगा, मगर मुझे उस आदमी का चेहरा नहीं देखना है जो बदकिस्मती से तुम्हारी बेटी का पिता है।